दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इनपुट ग्रुप। ठीक है, इनपुट ग्रुप है वो ग्रुप के साथ इनपुट भी चलता है और टेक्स्ट भी चलती है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आपको क्या करना है, डीवी लेना है, ठीक है, उसमें क्लास लगा लेना है। ठीक है, इनपुट ग्रुप, ठीक है, ये क्लास लगा लिया है इनपुट ग्रुप आपने। अब ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक स्पान लेना है। ठीक है, स्पान में आपने, चलो मान लिए लगा देते हैं हम यूज़र नेम, ओके, और उसको क्लास दे देते हैं इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ये हो गया टेक्स। अब इससे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ चुका है। अब इसके साथ हमें एक इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे हमें लेना है एक इनपुट। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट में ले लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये तो फुल विथ में आ रहा है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, डी ए वी में से एक रो बना लेता हूँ पहले, और उसके बाद डी ए वी में कॉलम डी फोर ले लेता हूँ, ओके। इस पूरा का पूरा इनपुट ग्रुप को उसके यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब देखना, ये देखिए, ठीक है, परफेक्टली लगेगा। ये देखिए, आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो, और ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट। अगर आपको मल्टीपल इनपुट लगाना है तब भी आप लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे, चलो मान लीजिए मैं एक इनपुट एक और ले लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए, ये हुआ यूज़र नेम, और ये तो यहाँ पे इसको यूज़र नेम को निकाल देते हैं, पहले वाला है नेम और दूसरा वाला सर नेम। अब देखिए, पहले आपको नेम लगाना है, उसके बाद सर नेम, ये देखिए, ये दोनों इनपुट डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इनपुट ग्रुप को एसएम कर देते हो, तो यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगा, नहीं सॉरी, इनपुट ग्रुप, इनपुट ग्रुप एसएम, ये देखिए, ये स्मॉल हो गया, और यहाँ पे इसको लार्ज करते हो तो ये लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एमडी रहता है, ये मीडियम है वही। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ क्लास यहाँ पर अभी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एमडी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसएम कर देता हूँ, ये देखिए। अगर आप चाहे तो इनपुट टेक्स है उसमें आप चेकबॉक्स और रेडियो बटन भी लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रेडियो बटन और चेकबॉक्स लगाना है तब भी आप इसको लगा सकते हो। यहाँ से इसे निकाल देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे रेडियो लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्लास है वो लगा देता हूँ मैं फॉर्म कंट्रोल, ये देखिए, ये हुआ रेडियो। लेकिन ये रेडियो है वो प्रॉपर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इनपुट टेक्स्ट पान में है ना, उसे हमें कहाँ पे करना है, उसको हमें करना है डी ए वी। ठीक है, उसको हमें कर देना है डी ए वी। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे हमें करना है फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, जो फॉर्म कंट्रोल लगाया था रेडियो के बाद, वहाँ पे हमें करना है फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट, सेव करके रिफ्रेश। अब देखिए, ये आ गया हमारे पास रेडियो बटन, और उसी तरह अगर रेडियो को निकाल दे और यहाँ पे चेकबॉक्स लगा दे, ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया चेकबॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से एलजी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो।
और उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया है मल्टीपल इनपुट तो था ही, ठीक है। अब आप मल्टीपल टैक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। मल्टीपल टैक्स यानी कि चलिए आपको मैं समझा देता हूँ। इनपुट ग्रुप में आपको क्या करना है, इस पूरे को मैं यहाँ से अभी निकाल देता हूँ और यहाँ पे पहले इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ टैक्स, ठीक है। क्लास में फॉर्म कंट्रोल सेव करके रिफ्रेश, ओके। और उसके ऊपर मैं स्पान टैग ले लेता हूँ, उसमें मैं चलिए कुछ लगा देते हैं, डॉलर लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ डॉलर, सेव करके रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, यहाँ पे इनपुट ग्रुप टेक्स्ट सेव करके रिफ्रेश, ये देखिए, ओके। अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 0.00 लगा दो तो भी ये चलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे जो भी टाइप करवाना है, यूज़र नेम, ईमेल, कोई भी टाइप करवा सकते हो, काउंटिंग नंबर है, सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये तो हो गए आपके पास सिंपल, अगर आपको इसको मैं यहाँ ऊपर ले जाता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं लगाता हूँ सबमिट, सेव करके रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ btn info, ओके, ये देखिए। और यहाँ पे वैल्यू में लगा देता हूँ, मान लीजिए सबमिट, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप सबमिट बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, इन्फो की जगह सेकेंडरी लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे BTN है वो आउटलाइन कर दो आप, आउटलाइन सेकेंडरी, ये देखिए, ठीक है। अगर इनपुट ग्रुप को आप शेडो लगाना चाहते हो तो तब भी शेडो भी लगा सकते हो, ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। शेडो LG लगा सकते हो तो भी अच्छा लगेगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था इनपुट ग्रुप। तो इनपुट ग्रुप में आप कस्टम फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हो, यानी चलो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑप्शन और सिलेक्ट से करता हूँ तो आपको देखना है कैसे। तो ये देखिए, मैं इसको दोनों को निकाल देता हूँ अभी यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, सेव करके रिफ्रेश, दोनों निकल गए हैं। अब इनपुट ग्रुप तो हमारे पास है ही, ठीक है, LG है, शेडो भी है। तो पहले मुझे क्या करना है, एक लेबल ले लेना है, ठीक है। लेबल में मैं लगा देता हूँ ऑप्शन, सेव करके रिफ्रेश, ये देखिए। और लेबल में मुझे क्लास लगा देना है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, क्या लगाना है, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, सेव करके रिफ्रेश, ये देखिए ऑप्शन अभी आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद लेबल के बाद मुझे लेना है सिलेक्ट और ऑप्शन, सिलेक्ट टैग, ठीक है। और सिलेक्ट टैग में मुझे क्या लगाना है, पहले क्लास में फॉर्म सिलेक्ट, ठीक है, फॉर्म सिलेक्ट, ठीक है, लगा लिया। अब देखिए ये आ गया है मेरे पास फॉर्म। अब मुझे क्या इसमें ऑप्शन ऐड करने हैं, ठीक है, मुझे क्या ऐड करने हैं, ऑप्शंस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस ले लेता हूँ, ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है तो मैं इसे ऐसे कर देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करता हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही रखता हूँ, सिलेक्टेड, ठीक है, वो सिलेक्ट ही रहेगा अपने आप में, ठीक है। तो उसके बाद का जो ऑप्शन है उसको हमें वैल्यू के साथ ऐड करना है, तो मैं 1 2 3 लगा देता हूँ, 1 2
चलिए ये देखिए, ये सिलेक्ट वाला हो गया, तो शायद हम इसको डिसेबल भी कर दें तो भी शायद चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, इस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, ठीक है, इस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते और यहाँ पे दिखेगा भी। तो 1, 2 और 3 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें देनी है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हम इसे दे सकते हैं, वैल्यू, ठीक है, इसकी 1 दे देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो देखिए ये हो गया हमारे पास ऑप्शन और सिलेक्ट। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करवा सकती हैं, ऑप्शन लगाया है आपने तो आप यहाँ पे अगर चाहिए तो यहाँ पे सिटी भी लगा सकते हो। ये देखिए सिलेक्ट सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन की जगह आप लगा दे सिटी। ये देखिए आप यहाँ पे सिटी के नेम आपकी मर्जी से लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारे इनपुट ग्रुप यहाँ पे आज पे ख़त्म, और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।